ठीक है। अब हम लोग देखो, फर्स्ट पार्ट तो इस सवाल का कंप्लीट कर लिया हमने कि हमको क्या करना था, फर्स्ट निकालना था, है ना। इस ग्रामर के सारे सिंबल का हमको फर्स्ट निकालना था। थोड़ा क्लीन कर देती हूँ मैं, यहाँ पर बी ए लिखा हुआ है तो बी ए लिख लो साफ से, एंड देयर इज ए सी बी इन कैपिटल, ठीक है। तो इसको भी तुम लिख लो, ए सी बी इन कैपिटल, ठीक है। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे बोलो, इसी हेलो ग्रामर के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, फॉलो। तो देखो, अब हेलो फॉलो के लिए मैं जो खास रूल है वो मैं पहले बता देती हूँ तुम लोग को, ठीक है। तो फॉलो निकालने के लिए देखो, अभी तुम फर्स्ट निकालने के लिए प्रोडक्शन के किस सिंबल को देख रहे थे, लेफ्ट साइड को। प्रोडक्शन के किसको देख लेफ्ट रहे थे तुम लोग, लेफ्ट साइड को। साइड लेकिन जब हमको क्या निकालना होगा, फॉलो ऑफ पर्टिकुलर सिंबल, है ना, फॉलो ऑफ नॉन टर्मिनल। तो हम हमेशा उस सिंबल को किधर फाइंड आउट करेंगे, राइट में। राइट साइड रूल नंबर वन क्लियर। रूल नंबर टू, फॉलो ऑफ स्टार्ट सिंबल इज ऑलवेज डॉलर, क्लियर। क्योंकि कोई भी यस टर्म मैम सिंबल जब तुमको दिया रहता है तो इनपुट स्ट्रिंग, तो दैट इनपुट स्ट्रिंग इज ऑलवेज फॉलोड बाय डॉलर सिंबल, ठीक है ना। तो ये एक तो पहली बात, तो मैंने फिर से मैं अपनी बात दोहरा रही हूँ, रूल नंबर वन की फॉलो निकालने के लिए हम किस में जाएंगे, प्रोडक्शन के, प्रोडक्शन राइट साइड के किस साइड, राइट राइट साइड, है ना। फॉलो फॉलो के लिए हमको प्रोडक्शन के राइट साइड में देखना है। रूल नंबर टू, फॉलो ऑफ स्टार्ट सिंबल इज ऑलवेज डॉलर डॉलर। रूल नंबर थ्री, एप्सिलॉन कैन नॉट बी पार्ट ऑफ फॉलो। एप्सिलॉन कभी भी फॉलो में हम लोग लिखेंगे नहीं। फर्स्ट में तुमने लिखा नहीं है है। एप्सिलॉन, पर एप्सिलॉन किस में यस लिखा मैम जाएगा, फॉलो में, ठीक है। अब हेलो चलो, ये तीन रूल अपने दिमाग में रखते हुए इन सारे सिंबल का हम लोग फॉलो फाइंड करते हैं। तो देखो, चलो नीचे से ही, ऊपर से ही शुरू करो। जैसे पहले सी का फर्स्ट निकाला है तो फॉलो भी सी का ही निकालो। फॉलो ऑफ सी क्या होगा, तो देखो फॉलो ऑफ सी के लिए भी मैंने क्या बताया कि जिसका भी हमें फॉलो निकालना है उस सिंबल को मैं राइट साइड में ढूंढूंगी कि वेयर इज दिस सिंबल प्रेजेंट इन प्रोडक्शन एट द साइड ऑफ राइट, क्लियर है ना। यस तो देखो ऊपर से ही स्टार्ट करो। देखो सी कहाँ दिख रहा है तुमको, फर्स्ट प्रोडक्शन दिख रहा है ना, एस डेराइव्स ए, ऐसे भी समझो, यस फिर खरखराहट आ रही है, ऐसे भी समझो कि ए डेराइव्स ए सी बी, एस डेराइव्स ए सी बी। फॉलो का मतलब क्या होता है, फॉलो मी। फॉलो का मतलब क्या होता है, आगे। फॉलो का मतलब क्या होता है, फॉलो आगे आगे। तो देखो सी के आगे क्या है, तुमको फॉलो फाइंड करना है ना भाई, तो सी के आगे फाइंड करना है, सिंपल सी बात है ना। तो देखो सी के आगे क्या है, बी यस। तो क्या फॉलो ऑफ सी फॉलो ऑफ बी लिख दोगे, बोलो बोलो। तो वी आर टेकिंग इंटरेस्ट इन टर्मिनल सिंबल। हम लोग किस में इंटरेस्ट लेते हैं, टर्मिनल सिंबल में, क्योंकि क्योंकि इसकी मैचिंग इनपुट से होनी है, और इनपुट में क्या रहेगा, सिर्फ और सिर्फ टर्मिनल सिंबल रहेगा, ना कि ये सारे नॉन यस टर्मिनल, ठीक है ना। तो फॉलो ऑफ सी क्या होगा, फॉलो ऑफ सी इज फर्स्ट ऑफ बी। मैम सी के आगे उसको क्या दिखेगा, तो सी के आगे वही टर्मिनल सिंबल दिखेगा ना जो फर्स्ट ऑफ बी है, क्लियर, ठीक है। यस अब मैम चलो देखते हैं हम लोग, फर्स्ट ऑफ बी में क्या है, फर्स्ट ऑफ बी में क्या है? डी और एप्सिलॉन नहीं, ये डी नहीं है जी जी। तो फॉलो ऑफ नाइन सी को, हाँ देखो फॉलो ऑफ सी मैं क्या लिखूंगी, जी अरे जी। अब देखो साला देखो इस एप्सिलॉन को क्या यहाँ ऐड किया जाएगा, नहीं, नहीं यहाँ तुम पुट करोगे फॉलो ऑफ सी में, फॉलो ऑफ सी में जो फर्स्ट ऑफ एप्सिलॉन है बी का, दैट यू हैव टू पुट हियर। यहाँ तुम एप्सिलॉन लिखोगे, क्या लिखोगे,
देखो एक एक बार पुट करेंगे ना, तो बी का जब वैल्यू हमने यहाँ जी लिखा, बी का वैल्यू जब हमने जी लिखा तो फर्स्ट फॉलो ऑफ सी क्या बन गया, फर्स्ट ऑफ बी यानी जी। लेकिन जैसे ही हमने एप्सिलॉन यहाँ पुट किया तो फॉलो ऑफ सी क्या बन गया, देखो सी के आगे अब क्या है, सी के आगे एप्सिलॉन नहीं है तो किधर मूव करेगा, फॉलो ऑफ सी इज फॉलो ऑफ एस एस। और अभी अभी तुमको मैंने रूल बताया है कि जो स्टार्ट सिंबल होता है दैट इज ऑलवेज फॉलोड बाय डॉलर। तो दैट्स व्हाई यू विल पुट हियर डॉलर, क्या करोगे डॉलर लिखोगे डॉलर। अच्छा बताओ क्या यही हमको रुक जाना चाहिए फॉलो अप सी के लिए? नो मैम, नहीं रुकेंगे। तो फिर क्या करोगे, और प्रोडक्शन में सी फाइंड आउट करोगे कि कहीं और तो नहीं है। तो देखो इसका तो काम हमने कर दिया, लेकिन यहाँ पे भी हमको सी मिल रहा राइट साइड में, है कि नहीं है? देखो इस यस, तो फॉलो अप सी क्या है, सी के आगे क्या दिख रहा है, देखो यही है ना तुम्हारा प्रोडक्शन, सी बी कैपिटल बी। तो फॉलो अप सी यहाँ क्या दिख रहा है तुमको, बी स्मॉल बी, दिस विल एड, लिखोगे ना तुम लोग? यस मैम। अच्छा क्या यहाँ अब जब हमको टर्मिनल सिंबल मिल जाएगा तो आगे फर्दर कोई ऑपरेशन करना है नहीं, नहीं करना, रुकेंगे, इस प्रोडक्शन का भी काम खत्म, ये दो खत्म। अब देखो क्या यहीं पर तुम रुकोगे? नहीं रुकोगे, माइन्यूटली चेक करना एग्जाम में, ठीक है? तो अब देखो अगला प्रोडक्शन में चेक करो, यहाँ सी है क्या राइट साइड में? नहीं, नहीं। चलो अब क्या करोगे, नेक्स्ट में चेक करो, हर किसी को चेक करो, इसमें सी है नहीं, उसमें नहीं है, लेकिन नेक्स्ट में है, इसमें है, नहीं है। तो अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, फॉलो ऑफ सी यहाँ लिखे हो तुम, क्या लिखे हो, ए डेराइव्स बी सी, यहाँ क्या लिखा हुआ है, ए डेराइव्स बी सी। तो हम लोग अभी अभी क्या रूल देखे कि अगर राइट में आ गया तो फॉलो ऑफ सी क्या बन जाएगा, फॉलो ऑफ ए हो जाएगा। फॉलो ऑफ ए अभी हमने निकाला है क्या, अभी तक तो नहीं निकाला था, निकालना पड़ेगा तुमको, है ना? तो बन जाएगा फॉलो ऑफ ए। तो यहाँ पर रुकेंगे अभी, ठीक है ना, यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, अभी रुकेंगे, यहाँ फिल करना पड़ेगा। तो चलो लेट्स सी फॉलो ऑफ ए क्या होगा। फॉलो ऑफ ए देखो, फॉलो ऑफ ए तुमको चाहिए, फॉलो ऑफ ए चाहिए, है ना? फॉलो ऑफ सी निकालने के लिए तुमको क्या चाहिए, फॉलो ऑफ ए चाहिए। अच्छा अब बताओ फॉलो ऑफ ए कैसे फाइंड करोगे, हाउ कैन यू फाइंड फॉलो ऑफ ए, टेल मी। राइट साइड में मैम देखेंगे वो, क्या बिल्कुल सही बोल रहे हो? तो राइट साइड में किस प्रोडक्शन में ये तुमको दिखाई दे रहा है, लिख देती हूँ मैं याद रखने के लिए, फॉलो ऑफ सी जो है फॉलो ऑफ ए है, तो फॉलो ऑफ ए अभी हमको निकालना पड़ रहा है ना, तब ये पूरा होगा। तो बाकी सबको मैं इरेज कर देती हूँ। चलो तो देखो भाई, फॉलो ऑफ ए निकालने के लिए तुमको राइट साइड के किस प्रोडक्शन में ये दिखा, पहले उसको लिखो, एस डेराइव्स ए सी। We are lucky. Yes, there is no more A in there. तो एक इसी में सिर्फ निकालना है तुमको, है ना? तो अब बताओ तुम्हें लोग, बताओ follow up A क्या हो जाएगा? Follow up C. Follow up C. No no no. Follow up A is first of C. इसके टर्मिनल सिंबल आ रहा है, that is called follow up A. और टर्मिनल सिंबल कैसे पता करोगे, जब उसका तुम फर्स्ट निकालोगे, है कि नहीं है? Yeah. है ना, क्लियर है ना? तो जो फॉलो ऑफ ए है वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ सी, फर्स्ट ऑफ सी। अब आते हैं हम लोग फॉलो ऑफ ए के लिए, फॉलो ऑफ ए है तो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं फॉलो ऑफ ए निकाल रहे हैं। तो फॉलो ऑफ ए क्या है तुम्हारा, फॉलो ऑफ ए के लिए फर्स्ट ऑफ सी, फर्स्ट ऑफ सी में आओ भाई, फर्स्ट ऑफ सी में क्या है, बी, अरे एच, तो फॉलो ऑफ ए क्या हो जाएगा,
एच हो जाएगा। और हम लोग क्या पढ़े हैं कि जो एप्सिलॉन अगर होता है तो उस एप्सिलॉन सी के जगह पुट करोगे कि नहीं करेंगे, करोगे। तो अब बताओ फॉलो अप क्या बन गया, बी क्या बी का फर्स्ट ऑफ बी, फॉलो अप फर्स्ट ऑफ बी, फर्स्ट ऑफ बी, फर्स्ट ऑफ बी करेक्ट। फॉलो अप ए इज नाउ फर्स्ट ऑफ बी। अब आओ देखो फर्स्ट ऑफ बी में तुम्हारा क्या है, जी फॉलो फर्स्ट ऑफ बी में जी है तो यहाँ मुझे लिखना पड़ेगा कि नहीं, लिखोगे ना। तो फर्स्ट ऑफ में जब जी तुमने लिख दिया, अब उसके आगे क्या लिखोगे, फर्स्ट ऑफ बी के जगह तुमने जी दिया और एप्सिलॉन भी दिया है। यस इस एप्सिलॉन का क्या करूँ मैं, बी के जगह पुट करते हैं। यस बी के जगह जैसे ही तुमने पुट किया तो अब क्या होगा, व्हाट हैपेंड, फॉलो ऑफ इज इक्वल टू फॉलो ऑफ स्टार्ट सिंबल, फॉलो ऑफ दैट इज डॉलर, फॉलो ऑफ एप्सिलॉन कोई मतलब है क्या, एप्सिलॉन मतलब नो सिंबल, एप्सिलॉन का मतलब क्या है, एप्सिलॉन मींस नो सिंबल। तो जब कोई सिंबल ही नहीं है, जब कोई सिंबल ही नहीं है, जब कोई सिंबल ही नहीं है तो क्या होगा, फॉलो ऑफ ए इज फॉलो ऑफ ए, ठीक है स्टार्ट सिंबल, ठीक है। तो फॉलो ऑफ ए फॉलो ऑफ एस होगा और फॉलो ऑफ एस क्या होगा, डॉलर, डॉलर। तो देखो अच्छा और एक मिनट, क्या यहाँ हम लोग को रुकना चाहिए, नहीं क्यों नहीं रुकना चाहिए, और कहीं साइड में इज एनी वेयर मोर इन राइट साइड ए, कहीं और ए है क्या राइट, नो मैम नहीं है, तो क्यों नहीं रुकना चाहिए सो बताओ, अगर होता तब ना तुम फाइंड करते, जब है ही नहीं तो रुकोगे नहीं तो क्या करोगे बोलो, रुके आपका मन। देखो फॉलो अप ए हम लोग का निकल गया, तो तुमने अभी अभी क्या फाइंड आउट किया था कि जो फॉलो अप सी है दैट इज ऑल्सो फॉलो अप ए, है ना, फॉलो अप सी इज फॉलो अप ए। तो जो भी इस सी में तुमने लिखा है वो सब किस में लिखना पड़ेगा, फॉलो अप सी में। तो देखो एच है इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ, नहीं तो यहाँ ऐड करेंगे ना, जी है लिखा हुआ, डॉलर है और पहले से ही लिखा हुआ, तो बात खत्म हुई क्या। अब देखो इसमें और कहीं सी नहीं ना है, यहाँ वाला सी चेक कर लिए थे, यहाँ सी चेक कर लिया, अब तो और कहीं सी है ही नहीं, तो हम लोग का फॉलो अप ए और फॉलो अप सी कंप्लीट हो गया, निकला कि नहीं, निकल गया ना, चलो निकल गया। तो अब देखो नेक्स्ट मोर क्वेश्चन, नहीं नेक्स्ट अब किसका निकालोगे, फॉलो अप भी, फॉलो अप भी अभी नहीं निकाले हो ना, अब निकालो फॉलो अप भी, फॉलो अप भी क्या होगा बताओ, हाउ कैन यू फाइंड आउट फॉलो अप भी, फॉलो अप भी के लिए क्या करो, फाइंड करेंगे राइट साइड में, भाई फॉलो निकालना है तो राइट साइड में हमको सिंबल क्या करना पड़ता है, देखना पड़ता है, फाइंड करना पड़ता है, देखना पड़ रहा है। तो देखो फाइंड किया तुमने, सबसे पहले कहाँ मिला तुमको बी इन दिस प्रोडक्शन, चलो यहाँ लिखती हूँ, yes, ए सी बी। अब बताओ तुम्हारे हिसाब से फॉलो ऑफ बी क्या होगा, फॉलो ऑफ एस है कि नहीं, आगे कुछ है ही नहीं तो उसने कहाँ देखना है, एस। तो फॉलो ऑफ बी इज फॉलो ऑफ एस मतलब डॉलर, डॉलर सही है, सही है तो ठीक है, फॉलो ऑफ बी फॉलो ऑफ एस हो गया डॉलर। अब देखो और कहीं है तुम्हारा कोई प्रोडक्शन में सी, सॉरी बी, यस मैम, कहां सी बी बी सी फॉर्म सी बी बी, तो इसको अब मैं हटा करके क्या लिख देती हूँ, सी बी बी बी, ठीक है। तो आओ शिट इट्स गुड, तो फॉलो अप बी अगेन क्या है, फॉलो अप स्टार्ट डॉलर, डॉलर कोई इफेक्ट नहीं, no more effect, चलो एनी मोर वेयर एनी वेयर एल्स, बी ए बी ए, यस एस डेराइव्स बी ए, राइट साइड में फिर मिल गया हमको।
अब बताओ तुम लोग, फॉलो ऑफ बी इज व्हाट? बी के आगे क्या है? ए ए ए ए सवाल है, कुछ करने की जरूरत है क्या? नहीं नहीं, तो सिंपली तुम क्या करोगे इसमें? ए लिखते हो गई बात। अब बताओ और कहीं बी एग्जिस्ट कर रहा है तुम्हारे प्रोडक्शन में? नहीं कर रहा है, ध्यान से देखो। तुमने सिर्फ अभी एस वाले में चेक किया है, उसके नीचे आओ, बारीकी से देखना है एक एक करके, ठीक है? तो यहाँ पर देखो और कहीं है तुम्हारे पास? कहाँ है? हाँ, तो ए डेराइव्स बी सी, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे किसको, पहले लिख लेते हैं फिर फाइंड करेंगे, है ना? तो ए डेराइव्स बी सी क्या होगा? तो फॉलो ऑफ बी इज इक्वल टू फर्स्ट ऑफ सी। फॉलो ऑफ बी इज इक्वल टू फर्स्ट ऑफ सी। फर्स्ट ऑफ सी क्या है देखो तो जरा? एच। एच, तो फर्स्ट ऑफ सी में एच है, तो इसको ऐड करोगे तुम लोग? यस मैम। और क्या लिखोगे जरा देखना तो ध्यान से, सी में क्या दिया हुआ तुम्हारा? एप्सिलॉन। यू कैन नॉट फॉरगेट इट। तो जब यहाँ एप्सिलॉन तुम पुट करोगे, करोगे ना पुट, तो फॉलो ऑफ बी नाउ बिकम्स फॉलो ऑफ ए। ए फॉलो ऑफ बी तुम्हारा फॉलो ऑफ ए हो गया। तो अब क्या करोगे बोलो, क्या करोगे, करना क्या है? फॉलो ऑफ बी इज फॉलो ऑफ ए। ए ऑलरेडी निकाले हुए हो, तो एच तो यहाँ है, और क्या ऐड करोगे? जी एफ। अ डॉलर तो ऑलरेडी है, सही है ना? यस सही है। चलो जब सही है तो अब अपन क्या करें, और अब चेक करो और कहीं है क्या बी राइट साइड में? नहीं मैम। नो, नो वेयर एल्स। तो यहाँ पर, यहाँ पर इसको क्लोज करो। तो तुम्हारा निकल गया बी ए सी का फॉलो निकल गया, बचा क्या? फॉलो ऑफ एस बचा। अब बताओ तुम लोग फॉलो ऑफ एस क्या है? एस के लिए भी तुमको क्या करना पड़ेगा? बोलो। फॉलो फर्स्ट ऑफ ए। नहीं नहीं, फर्स्ट ऑफ ए ये सब बाद में बात करना, पहले तुम रूल को दिमाग में रखो। राइट साइड में देखना पड़ेगा। हाँ हाँ, यस यस, राइट साइड में देखोगे। इज देयर एनीवेयर, इज एनीवेयर इन राइट साइड? यस प्रेजेंट। नो नो मैम, नो नहीं है, कुछ नहीं निकालना है। तो जो फॉलो अप एस हमेशा क्या होता है? डॉलर। देखो अगर राइट साइड में एस प्रेजेंट रहता तब हम लोग उस फॉलो को निकालते, और डॉलर के साथ साथ वो सिंबल भी क्या होता, एड हो जाता, सही है कि नहीं? हाँ। सही है ना? तो अब हमारा चारों सिंबल का फर्स्ट भी निकल गया, और क्या निकल गया? फॉलो भी निकल गया। इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई प्रश्न? नहीं। तो दिस वाज द क्वेश्चन आस्क्ड इन योर यूनिवर्सिटी, फाइंड फर्स्ट एंड फॉलो, ठीक है? देखो कोई सा भी सवाल दे, तुमको बस दिमाग में रूल्स को ध्यान रखना है, और इसी जिसको अभी मैंने बताया, तो हर सवाल को फिर तुम एक बार खुद से भी लिख लिया करो, तो खुद से बना लिया करो, ये बहुत जरूरी है, ठीक है? ठीक है ना? Yes, ma'am. तो अब देखो फर्स्ट और फॉलो पे ही बेस्ट एक और सवाल हम तुम लोग के सामने रखना चाह रहे हैं। दैट इज वेरी गुड क्वेश्चन, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड क्वेश्चन आस्क इन योर एग्जाम, ठीक है? तो मैं इसको रब कर दू? Yes, हाँ, मैं मिटा दू। एक बहुत ही बेहतरीन सवाल तुमसे एग्जाम में पूछा गया था, इसी से रिलेटेड, फर्स्ट और फॉलो से संबंधित। अब देखना इसमें क्या है। ये प्रोडक्शन रूल दिया हुआ है, एस डेराइव्स ए, ए डेराइव्स ए बी एंड ए, बी डेराइव्स बी बी सी F and C derives G. तो देखो ये जो सवाल है तुम्हारा दिया हुआ, इसमें तुमसे पूछा गया है find first and follow, then after
construct predictive parsing table, and then after they had given some input string, or for that input string you have to construct parse tree. ठीक है, तो ये सब कुछ तुमको सवाल में दिया हुआ है, लेकिन हम लोग पार्ट वाइज इसको बनाएंगे. पहले क्या करेंगे, फर्स्ट और फॉलो फाइंड करेंगे. लेकिन मैं इस सवाल को बहुत बेहतर सवाल क्यों कह रही हूँ, क्योंकि इसमें एक एक बात है जो और छुपा हुआ है. इसके ऊपर भी तुमको अटेंशन देना है. जब कभी भी कोई सवाल तुमको दिया रहेगा प्रोडक्शन में प्रेडिक्टिव पार्सिंग के लिए, तो अभी तक मैंने तुमको कभी बताया होगा कि जो टॉप डाउन पार्सर होता है, दैट डज नॉट अलाउ व्हाट टाइप ऑफ रिकर्सन. देखो ग्रामर में दो तरह का रिकर्सन होता है, होता है ना, कौन कौन रिकर्सन होता है, लेफ्ट रिकर्सन एंड राइट रिकर्सन, राइट. तो जो इन दोनों में से किस रिकर्सन को टॉप डाउन पार्सर अलाउ नहीं करता है, बहुत टाइम लगा दिया तुम लोगों ने, लेफ्ट रिकर्सन को, लेफ्ट रिकर्सन को, है ना, लेफ्ट रिकर्सन को टॉप डाउन पार्सर अलाउ नहीं करता है. क्यों नहीं करता है ये हमने बताया है तुम लोग को, है ना, तो उस पे चर्चा अलग है. फिलहाल यहाँ देखो, तुमको जब कभी भी प्रेडिक्टिव पार्सिंग टेबल बनाना है तो सबसे पहले तुमको क्या करना पड़ेगा, ग्रामर को चेक करना पड़ेगा कि इस ये जो ग्रामर गिवन ग्रामर है, ये गिवन ग्रामर लेफ्ट रिकर्सन इसमें है कि नहीं है. प्रेडिक्टिव पार्सिंग बनाने के लिए, पार्सर बनाने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, ग्रामर को रिकर्सन फ्री बनाना पड़ेगा. ग्रामर को क्या बनाना पड़ेगा, लेफ्ट रिकर्सन से फ्री बनाना पड़ेगा, करना पड़ेगा ना. तो अब ये बताओ कि इस ग्रामर में सबसे पहले चेक करो तुम लोग कि लेफ्ट रिकर्सन है कि नहीं है, टेल मी इन दिस ग्रामर इज देयर एनी लेफ्ट रिकर्सन. बहुत समय लगा दिया तुम लोगों ने, लेफ्ट रिकर्सन प्रेजेंट है इस ग्रामर में, लेफ्ट रिकर्सन प्रेजेंट है. देखो इस प्रोडक्शन को, ए डेराइव्स ए डी, ये जो तुम्हारा प्रोडक्शन दिया हुआ है ए डेराइव्स ए डी, इसमें क्या है, लेफ्ट रिकर्सन है. यही ना होता है लेफ्ट रिकर्सन कि भाई जो राइट लेफ्ट का सिंबल है, अगर राइट के लेफ्ट में सेम सिंबल एग्जिस्ट कर रहा लिखा हुआ है तो दिस इज योर लेफ्ट रिकर्सन. सही है कि नहीं है, yes, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, लेफ्ट रिकर्सन हो गया. तो अब यहाँ पर तुम क्या करोगे, रिमूव करेंगे. बोलो, इस लेफ्ट रिकर्सन के जो लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर है, यू हैव टू कन्वर्ट फर्स्ट इनटू राइट रिकर्सिव ग्रामर. किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट रिकर्सिव, राइट रिकर्सिव ग्रामर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो राइट रिकर्सिव ग्रामर में पहले तुम कन्वर्ट करो इसको, तब हम लोग फर्स्ट एंड फॉलो फाइंड करेंगे. तो हाउ टू कन्वर्ट लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर इनटू राइट रिकर्सिव ग्रामर, ये ऑलरेडी तुम लोगों को हम पढ़ा चुके हैं, है ना. तो इसको देखते हैं हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे. तो रूल्स तुम लोग को ध्यान दिलाती हूं मैं, ए डेराइव्स ए डी और ये क्या है ए बी, दिस इज योर गिवन प्रोडक्शन. तो ये जो पार्ट है इसको तुम लोग क्या बोलते हो, बीटा, और जो ये पार्ट है क्या बोलते हो, अल्फा. तो तुम इसमें क्या करते हो, बोलो ए डेराइव्स क्या लिखते हो इसको, ए डेराइव्स जो बीटा है, बीटा ए स्ट्रेस ए डेफ, बीटा ए डेफ, सही है ना. ए डेराइव्स बीटा ए डेस, बीटा की जगह क्या लिखा हुआ है तुम्हारा, ए बी, ए बी. तो यहाँ पर तुम क्या लिखोगे, ए बी और बीटा ए डेस, एक नया सिंबल तुम क्या करोगे, इंट्रोड्यूस करोगे, और उसके बाद क्या लिखोगे, ए डैश डेराइव्स, ए डैश, ए डैश डेराइव्स व्हाट, अल्फा, अल्फा, अल्फा की जगह क्या है लिखा हुआ है, डी, डी,
तो यहाँ पर जो तुम्हारा अल्फा है डी उसको लिखोगे और फिर क्या करोगे A-dash. A-dash. अच्छा बताओ इसमें ये सारा सिंबल तुमने ऑलरेडी ले लिया है यहाँ पर, तो अब क्या बचा? Epsilon. Epsilon. सही है कि नहीं है? Yeah. तो तुम क्या लिखा, A derives AB A-dash and A-dash derives D A-dash Epsilon. देखो इसीलिए मैं इस सवाल को कह रही थी कि दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन इन योर एग्जाम, डोंट गो टू सॉल्व योर क्वेश्चन पेपर ब्लाइंडली, राइट? तुमको अटेंशन देना पड़ेगा सो मेनी टाइम्स कि तुम देख लो कि ग्रामर तुम्हारा लेफ्ट रिकर्सिव है कहीं है तो नहीं, अगर है तो पहले उसको राइट रिकर्सिव में कन्वर्ट करो, देन आफ्टर फाइंड लेफ्ट फर्स्ट एंड फॉलो, और तब फिर तुम उसका प्रेडिक्टिव पार्सिंग टेबल खींचोगे, सही है ना? तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर. अब इसमें क्या करेंगे, अब इस ग्रामर को लिख लेते हैं हम लोग, कन्वर्ट कर लिया तो फाइनली, है ना? इसको मैं मिटा देती हूँ, कैसे कन्वर्ट किया ये तुम लोग समझ गए हो. तो जो हमारा फाइनल प्रोडक्शन हुआ वो प्रोडक्शन रूल क्या बन गया तुम्हारा बताओ, एस डेराइव्स ए तो लिखोगे ही लिखोगे, है ना? और इस ए के करस्पॉन्डिंग ये दो प्रोडक्शन एड करेंगे हम लोग, और क्या करोगे, बी डेराइव्स बी B, C, F जैसे है वैसे ही रहेगा, एंड C derives G, सही है? जी. सही है ना? बोलो. तो अब तुम लोग को बखूबी समझ में आ चुका है फर्स्ट और फॉलो फाइंड करने के लिए. यहाँ देखो C का फर्स्ट क्या होगा, G. G लिखो यहाँ, C का फर्स्ट G. अब बताओ B का फर्स्ट क्या होगा, B. B. B और F. F, yes, B and F, जो भी हमको टर्मिनल सिंबल फर्स्ट में मिलता है उसको हम लोग लिखते हैं. तो ड्यू टू दिस प्रोडक्शन B एंड ड्यू टू दिस प्रोडक्शन F, है ना? और इसमें क्या होगा, इस प्रोडक्शन में फर्स्ट क्या है तुम्हारा, D और Epsilon. यस, बिल्कुल सही बोले, अब तुम लोग समझ गए हो. इसका फर्स्ट क्या होगा, A. A. Yes, good. और इसका फर्स्ट क्या होगा, डॉलर. S derives A. For this first of S क्या होगा, डॉलर. डॉलर, why डॉलर? डॉलर is in follow first of S, follow S is dollar, not first of S is dollar, है ना? तो यहाँ क्या हो जाएगा, फॉलो ऑफ एस, सही है ना? सॉरी सॉरी, हमको निकालना क्या है, फर्स्ट ऑफ एस. तो फर्स्ट ऑफ एस क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ए. फर्स्ट ऑफ ए, और फर्स्ट ऑफ ए क्या है तुम्हारा, ए. ए, तो यहाँ पर स्मॉल ए लिखोगे, फर्स्ट ऑफ एस इज फर्स्ट ऑफ ए, ठीक है? अब ये फर्स्ट तो तुम्हारा निकल गया, अब क्या निकालोगे बोलो, व्हाट यू हैव टू फाइंड, फॉलो, फटाफट निकालो. अब तुमको अच्छी तरह समझ में आ गया है, दिस इज योर फर्स्ट एंड दिस वन इज योर फॉलो. फॉलो के लिए क्या करोगे तुम लोग बताओ, देखो ऊपर से ही निकालो. फॉलो के लिए हम लोग क्या देखते हैं कि राइट साइड में सिंबल है कि नहीं, अब बताओ एस कहीं राइट साइड में है, नहीं नहीं है, तो फॉलो ऑफ एस क्या हो जाएगा, सिर्फ डॉलर. डॉलर, ठीक है? उसी प्रकार से फॉलो ऑफ ए निकालना है, तो तुम क्या ढूंढोगे कि भाई फॉलो ऑफ ए निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कि देखो राइट साइड में ए कहाँ कहाँ है, तो राइट साइड में ए जो है वो यहाँ एक दिख रहा है, तो ड्यू टू दिस ए फॉलो ऑफ ए नाउ इज फॉलो ऑफ एस. एस, तो फॉलो ऑफ एस क्या है, डॉलर. डॉलर. अच्छा अब देखो और कहीं फॉलो ए एग्जिस्ट कर रहा है राइट साइड में, नहीं नहीं है, तो फॉलो अप ए अब नहीं निकालना है हमको, क्या निकालना है, अब हो गया फॉलो अप ए कंप्लीट हो गया, अब क्या निकालोगे तुम, फॉलो ए डैश, क्या निकालोगे, फॉलो अप ए डैश. तो ऊपर से ही चेक करो, इसमें है ए डैश नहीं है, दूसरे में चेक करो. अब देखो यहाँ पर है, तो यहाँ फॉलो अप ए डैश चूंकि लास्ट में है, तो ये क्या बन जाएगा, फॉलो अप ए. ए, तो फॉलो ऑफ ए डैश इज फॉलो ऑफ ए, और फॉलो ऑफ ए तुम क्या निकाल रखे हो, डॉलर. ठीक है,
अच्छा देखो यहाँ तक तो तुम देख लिया, चेक कर लिया, फॉलो अप ए डैश जो है फॉलो अप ए है। अब यहाँ भी देखो, अब नेक्स्ट प्रोडक्शन में चेक करो, फॉलो अप ए डैश है कि नहीं, राइट साइड में है, तो यहाँ पर फॉलो अप ए डैश क्या है, फॉलो अप ए डैश अगेन ए डैश हमने डॉलर निकाला है तो डॉलर ही रहेगा, सही है कि नहीं है? Yes, ma'am. कोई जल्दबाजी नहीं किया मैंने, तो और कहीं देखो है कहीं ए डैश और कहीं एग्जिस्ट कर रहा है? बोलो बोलो। नो मैम। नो, समाप्त बात। अब आओ फॉलो ऑफ बी निकालना है। अब देखो भाई, फिर ऊपर से ही चेक करो, फॉलो ऑफ बी, यहाँ बी है नहीं है, इस प्रोडक्शन को छोड़ो, इसमें आओ, फॉलो ऑफ बी है, यस बी राइट साइड में है, तो यहाँ देखो, यहाँ बताओ तुम लोग ध्यान से, फॉलो ऑफ बी क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑफ ए डैश। फर्स्ट ऑफ ए डैश, बिल्कुल सही बोला तुमने, फर्स्ट ऑफ ए डैश में तुम्हारा क्या निकाले हुए हो, फर्स्ट ऑफ ए डैश डी, डी और एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन, एप्सिलॉन पुट करोगे तो फॉलो ऑफ बी क्या बन जाएगा? फॉलो ऑफ ए, फॉलो ऑफ ए, फॉलो ऑफ ए ऑलरेडी क्या निकाले हुए हो, डॉलर, डॉलर। अब ये इसका हो गया, इसमें हमने चेक कर लिया कि बी कहाँ है, अब इस प्रोडक्शन में चेक करो, इज देयर एनी बी, नो, इज देयर एनी बी, यस, तो यहाँ देखो भाई, फॉलो ऑफ बी क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ सी, फर्स्ट ऑफ सी क्या निकाले हुए हो, जी, जी, ठीक है, फॉलो ऑफ बी जो हो जाएगा फर्स्ट ऑफ जी, और कहीं है तुम्हारा सी राइट साइड में? नहीं, नहीं है, तो इसको बंद करो। अब बताओ फॉलो ऑफ सी क्या होगा, फॉलो ऑफ सी, फॉलो ऑफ सी हो जाएगा तुम्हारा फॉलो ऑफ, अच्छा फॉलो ऑफ सी के लिए फिर ढूंढो, इसमें सी है नहीं है, 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 इसमें सी है, है, तो यहाँ फॉलो ऑफ सी क्या बन जाएगा, फॉलो ऑफ बी, फॉलो ऑफ बी जो तुमने ऑलरेडी निकाल रखा है, क्या क्या निकाला है, डी डॉलर, डी जी एंड डॉलर, अच्छा बताओ फॉलो ऑफ सी इसमें निकाल लिया हमने, और कहीं सी एग्जिस्ट कर रहा है? देखो भाई बिल्कुल सही बनाए कि नहीं हम लोग? यस मैम। देखो हमेशा टॉप से बॉटम की तरफ स्कैनिंग करना, नहीं तो कोई सिंबल छूट जाएगा किसी प्रोडक्शन में तो तुम्हारा गड़बड़ा जाएगा, है ना, तो ऊपर से ही सब चेक करोगे, तो हम लोग फर्स्ट और फॉलो इस प्रोडक्शन में निकाल लिए। अब जो नेक्स्ट निकालना है वो अगले वीडियो में हम लोग निकालेंगे, पार्स, प्रेडिक्टिव पार्सिंग टेबल बनाएंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पर तुम लोग पहले देख लो, यही एक बात मुझे इस सवाल में खास लगा था, लेफ्ट रिकर्सन वाली, है ना, कि अगर कोई ग्रामर में हमको लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर है कि नहीं है ये पहले चेक कर लेना है, और तब फर्स्ट फॉलो निकालना है, और जो भी प्रेडिक्टिव पार्सिंग टेबल बनाना है तो वो बनाना है। किसी का कोई डाउट हो तो बताओ, नहीं तो वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। बोलो, अगर डाउट नहीं है तो देखो खींच ही लो तुम लोग टेबल फटाफट, प्रेडिक्टिव पार्सिंग टेबल खींचना बहुत आसान है, बोलो कैसे खींचते हैं हम लोग, बोलो, जितने भी टर्मिनल सिंबल नॉन टर्मिनल है सबको रो में लिख देते हो, इसमें कौन कौन है, बी और सी है कि नहीं है ना, और यहाँ पर क्या करते हो, जितने भी तुम्हारे टर्मिनल सिंबल दिए हुए हैं, टर्मिनल सिंबल क्या क्या है, ए है, बताओ ना तुम लोग, बी, डी, जी, नहीं दिखाई दे रहा मैम ऊपर, दैट इज नॉट विजिबल टू यू, नहीं तो मुझे कुछ नीचे करके शिफ्ट करके सब लिखना पड़ेगा, है ना, ओके, अगले वीडियो में इसको करते हैं, है ना।